मुंबई में उसका ट्रेलर लॉन्च हो रहा है। जी जी, ये बहुत खुशी की बात है। जब भी हमारे कुछ कॉमेडियन भाई लोग मिलकर कोई कॉमेडी का होता है काम, कॉमेडी फिल्म बनती है या कॉमेडी का कोई भी बिजनेस होता है, प्ले हो, मूवी हो, वीडियो हो, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। एज अ कॉमेडियन मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है और अच्छा लगना भी चाहिए। और अकबर बिन तबर हैदराबाद के क्या बताऊँ, वहाँ के सुपरस्टार हैं। और आरिफ अनिल कपूर हमारे आरिफ साहब, ये लुक अलाइक के गॉडफादर हैं, सबसे बहुत सबका ख्याल रखते हैं। और ये कॉमेडी फिल्म जो भी आपने ट्रेलर देखे, ये फिल्म ऐसी फिल्में बननी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए और लोग हंसे इंजॉय करें। क्यों आज चाहिए इतने टेंशन में, कॉमेडी होनी चाहिए, लोगों तक कॉमेडी पहुंचे, लोग ज़रा गुदगुदाए हंसे तो ज़रा अच्छा लगता है। लोगों की दुआएं लो भाई, लोग जब खुश होते हैं वो बड़ी बात। वर्ल्ड के दुआ ले रहे सब। हमने देखा है कि कभी भी मतलब ना आपने कभी भी वो कुछ मतलब देखा नहीं है ऐसे बहुत बड़ी फिल्म है या कोई छोटी फिल्म है, यू ऑलवेज देयर टू सपोर्ट एक जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन या कॉमेडी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो, आप हमेशा जो ना वक्त निकालते हो। हाँ, नहीं वक्त निकालना पड़ता है क्योंकि हम तो जमीन से आए ना, हमें कोई खड़ा नहीं करता था, ऐसा समय था तो हम लोग बहुत ही जमीन से आए हैं, बहुत तकलीफ से मतलब बहुत ही स्ट्रगल से मेहनत करके आए, तो वो उसको हम अभी तक भूले नहीं, तो खुशी होती है। हमारे भाई लोग बुलाते हैं तो छोटा बड़ा क्या होता है, आर्ट आर्ट होता है, टैलेंट बिलोंग्स टू ऑलमाइटी गॉड, खुदा की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से, तो इससे मोहब्बत होनी चाहिए। लोग मोहब्बत करते हैं और लोगों के सामने लोगों ने हमेशा हमें उठाया है और ये लोग प्यार करते हैं, बड़ी बात है, तो उन्हीं की मोहब्बत उनका प्यार खींच लाती है। अच्छा कह सकते हो हम पैन इंडिया की बात करें, पैन इंडिया फिल्म, तो हैदराबाद की फिल्म है जो यहाँ पर आ रही है मुंबई में, तो लोगों को काम भी मिलता है। बिल्कुल 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 ऐसा होना चाहिए क्योंकि हैदराबाद में बहुत अच्छा, हैदराबाद में इतनी कॉमेडी फिल्में बनती है, कमाल कमाल की फिल्में बनती है और हैदराबाद की फिल्में पूरे वर्ल्ड में देखी जाती है, बिल्कुल पूरी दुनिया में देखी जाती है, ये बहुत बड़ी बात है। और वो हमसे जुड़ जाए तो कॉमेडी में एक इजाफा होगा, बढ़ावा होगा और मज़ा आएगा और अच्छी अच्छी बातें निकलेंगी। आप भी हैदराबाद के एक दिग्गज कलाकार हो, जॉनी भाई यहाँ पर साथ में है, वो एक पैन इंडिया के वर्ल्ड यू कैन से इंटरनेशनल आज यहाँ पर आए, क्या कहना चाहोगे सबसे पहले उस तरह से उनका धन्यवाद करते हैं। पहली बात तो मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करूँगा और साथ में जानी भाई का शुक्र अदा करूँगा क्योंकि जानी भाई आज ये जानी भाई है, बल्कि ये चमक दिख रही है आपको आज ये जो लाइटें दिख रही है, जो चमक दिख रही है लोगों के चेहरे पे, जो खुशी दिख रही है भाई, अभी कम से कम एक 200 लोगों को सेल्फी, 300 लोगों को दिए होंगे भाई, मगर किसी को भी इनकार नहीं करे ना, किसी को बाजू हट के खड़ो बोले। अगर कोई दूसरे एक्टर्स होते तो बोलते भाई चलो ना यार, कितना लेट कर रहे हो यार, क्या यार। तो ये मैं देखा हूँ क्योंकि हमारे हैदराबाद में जब जानी भाई आते हैं तो ये आप ही का कमाल है, लोग लिंबू घुमाते ना, इन्होंने संतरा घुमाया मेरे। नहीं नहीं मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, हमारे हैदराबाद में जानी भाई जब भी आते हैं हमारा हैदराबाद जगमगाता है, हमारा हैदराबाद के लोग मुस्कुरा देते हैं। अभी देखिए जानी भाई को मैं खास एक छोटी चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, टीवी पे जब ओ माय गॉड इधर ही देखो, जब भी जानी भाई को टीवी पे कोई देखते हैं तो अगर मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा हो गया, इधर कोई बैठा है हस्बैंड, इधर बैठी है वाइफ, जैसा जानी भाई टीवी पे अगर आ गए तो दोनों पास आ जाते तो वो जानी भाई है। ये बहुत बड़ी दुकान है भाई और ये ऐसी दरगाह है यहाँ पर हर कोई चदर चढ़ाना पड़ता है, ये कॉमेडी की दुनिया है ये और हम इनके शागिर्द हैं, यानी कि हम इनके बच्चे हैं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को कभी भी किसी को मैं बड़ा नहीं बोलता, मैं जानी भाई को इसलिए बड़ा बोलती हूँ कि जानी भाई की अलग है भाई, लोग ये बॉम्बे के लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है मुझे, नहीं मालूम सारी दुनिया के लोगों को तो मालूम है, जानी भाई की दुआ ले लो, जब तक लोग जिंदा हैं वो जानी भाई की दुआ ले लो, ले लो सुखी रहेगा बस। मैं सारे बॉलीवुड को, अरे मैं लोगों की दुआओं से हूँ भाई, क्या दुआ लो बोल रहे हो, लोग बोलेंगे हम दे रहे, हमको दुआ दे रहे हो हमारे से लेके। हाँ देख कर समझ में नहीं आया था कौन पार्ट टाइम किधर किया क्या हुआ,
तो भाई ये लोग जो है जैसे आरिफ खान जो है अनिल कपूर के लुक अलाइक है। अनिल कपूर की आत्मा को इन्होंने ऐसा वो क्या करते हैं कब्जा कर लिया है ना। रूह अफजा पीते ना आप, ये रूह कब्जा है। इन्होंने अनिल साहब को ऐसा अंदर ले लिया। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी मोहब्बत करते होंगे अनिल कपूर साहब, उनकी आत्मा अंदर ले ली। आपको मालूम है अब्रॉड में फॉरेन कंट्रीज में अगर कोई किसी की कॉपी करके उन पर कुछ करता है, प्रेसिडेंट की कॉपी करता है, प्रेसिडेंट अपने घर बुलाता है, अपने व्हाइट हाउस में बुला के उसकी इज्जत करता है, उसको खाना खिलाता है, बिठा के ऐसी इज्जत करते हैं। जो कॉपी करने वाले बोले यार ये ऐसे कैसे कर सकता है, मेरी इतनी कॉपी कैसे, हूबहू कॉपी कैसे कर सकता है। वो है। और इनके साथ जितने भी लोकल लाइक्स हैं हमारे कमाल के, कोई शत्रुघ्न सिन्हा है, कोई शाहरुख खान है, कोई अनिल कपूर, कोई ये वो, ये लोग सब क्या है। और इनको लोग देखना चाहते हैं और वो जाते हैं, अटेंटिव परफॉर्म करते हैं, लोग पसंद करते हैं उनको। ये एक बहुत बड़ा आर्ट है, मैं कदर करता हूँ और कदर करनी चाहिए। जी नहीं, सतीश कौशिक साहब जो है वो हमारे कॉमेडी की दुनिया के एक बहुत बड़े कॉमेडियन थे, बल्कि बड़े डायरेक्टर भी थे और बहुत अच्छे एक्टर थे और बहुत ही स्ट्रांग फनकार थे, बहुत ही बड़े ऊंची सोच वाले थे। उन्होंने रूप की रानी, चोरों का राजा जो बनाए थे और बहुत बड़ी फिल्म थी, वो चली नहीं, बात अलग है, लेकिन उनकी सोच बड़ी थी। क्या सेट लगाया था, कितनी, मैंने काम भी किया उसमें, क्या सेट लगा, करोड़ों रुपए खर्च किए थे, वो फिल्म चली नहीं। हर फिल्म में कुछ ना कुछ होता है, तो वो हम मिस कर रहे हैं। हमको बहुत बड़ा लॉस है हमारे लिए, हमने एक बहुत बड़ा कलाकार खोया है इंडस्ट्री को। अभी उनकी अपनी बड़ी कंपनी में कुछ 4-5 फिल्में वो रिलीज कर रहा है, मैं कि मेरा बेटा भी कर रहा था। हाँ वो करेंगे अपना, क्या नाम है, जयंती लाल भाई करेंगे, जाते हैं वो करेंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन उनका होना ज़रूरी था। पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और इनका स्वागत करता हूँ मुंबई में हमारे अकबर बिन तबर का। बहुत अच्छे फनकार हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं ये, तो अभी आपने देखा कुछ भी नहीं है उनके अंदर, बहुत ही खजाना जी दिख रहा है, इससे बड़ा साइज अंदर है। खाते पीते घर के, इससे बड़ी साइज अंदर है। खाते पीते घर के बोल के पेट निकला, अब क्या लेबरों को निकलेगा। ये गजब के आर्टिस्ट है, इसलिए अजब तमाशा के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं है। सभी फनकार जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे भाई क्या बोले, अरे इन्हो हैदराबाद के किंग है भाई। हाँ यहाँ आए बोल के, यहाँ इन्हों यहाँ पे लैंड करे ना, अब देखो कैसा टेकअप होता। अब टेकअप कैसा था देखो भाई, बहुत अच्छे कॉमेडियन है भाई, हमारे को खुशी होती है ना हमारे हैदराबाद के। अच्छा ये बोल रहे हैदराबाद, इनको क्या मैं उधर ही का हूँ, मैं अंगोल का हूँ, आंध्र प्रदेश का हूँ, वो जो टोन है ना हैदराबाद, क्योंकि हम तो हैदराबाद, मेरी बहन वहाँ रहती है, जाना पड़ता है, मैं हैदराबाद उतरते ही हाँ हाँ भाई क्या हो रहा, शुरू हो जाता हूँ मैं। थैंक यू।